असलकम डियर स्टूडेंट मैं हूँ नदीम बट्टी आपका टीचर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के कोर्स के साथ आज हम अपना लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन में हमने मार्केटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और पिछले कुछ लेक्चर से हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के इस कोर्स के अंदर मार्केटिंग के एरियाज को डिस्कस करते जा रहे हैं और उसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जो तो लास्ट हमारा टॉपिक रहा उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रोडक्ट प्लान कैसे होती है और फिर डेवलप कैसे होती है और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कांसेप्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन सी वो स्टेजेस हैं कौन कौन से वो फेजेस हैं जहां से एक प्रोडक्ट होकर गुजरता है और एक आइडिया एक फिजिकल टेंजबल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है और हमने उन स्टेज को जब डिस्कस किया तो हमने कहा कि सबसे पहला काम किया है डेट वाज आइडिया जनरेशन और वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था के एक मार्केटर जो कि माशरे के हसास लोग हैं और इंटेलिजेंट लोग हैं और हर वर्ग इस चीज़ के ऊपर नजर रखते हैं कि कहाँ कहाँ पर अनसेटिसफाइड नीड एग्जिस्ट करती है और कहाँ पर एक प्रोडक्ट की जरूरत होती है मार्केटर ये आइडियाज मार्केट से लेकर आते हैं और उस आइडिया को फिर डिस्कस किया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड फॉर स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग में वी मेक श्योर वेदर दैट आइडिया इज वर्केबल आर नॉट यह आइडिया एक फिजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं इसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो तो प्रोडक्ट को फिजिकल शेप में कन्वर्ट करने के एक्सपर्ट हैं एंड दे आर प्रीडमेंटली इंजीनियर्स और जब हमने उनसे डिस्कस किया आइडिया वहां से हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि ये देट आइडिया इज वर्बल एंड वी कैन मेक ए प्रोडक्ट फिर हमने उसका बिजनेस एनालिसिस किया

और हमें सफिशिएंट प्रॉफिट भी होगा इससे तो फिर हम आगे चलते हैं हम एक ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्शन के फिर टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट के लिए हमने दो तरीके डिस्कस किए थे लास्ट टाइम और एक तरीका हमने डिस्कस किया था कि लैब टेस्ट किसी आर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी के ए, अपनी लेबॉरटरीज हैं जहाँ पे डिफरेंट डिवाइस रखी होती हैं उन एकमेंट को डिवाइस को यूज करते हुए हम प्रोडक्ट को बोरेटरीज के अंदर टेस्ट करते हैं अगर एक प्रोडक्ट किसी कंपनी के लैब टेस्ट से पास हो जाता है तो फिर हम इस पोजीशन में होते हैं कि इसी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर भी टेस्ट किया जाए तो हम क्या करते हैं पूरी मार्केट में से एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया सेलेक्ट करके उस एरिया में प्रोडक्ट को सेल करके देखते हैं इस प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स मार्केट में क्या रहा और जब हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस, कलर टेस्ट पैकिंग ऑल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट हमने ये देखना होता है कि ये मार्केट से अप्रूव हुए या ना हुए और ये हमने कहा हमने किया प्रोडक्ट को टेस्टिंग स्टेज के ऊपर और जब टेस्ट स्टेज से प्रोडक्ट अप्रूव हो गया लैब टेस्ट और मार्केट टेस्ट दोनों टेस्टों ने यह साबित कर दिया कि यस दिस प्रोडक्ट इज ओके और ये उन सारे स्टैंडर्ड्स को अचीव करती है जो हमने सेट किए थे इस प्रोडक्ट के लिए अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि इस प्रोडक्ट को कमर्शियली मार्केट कर दें बिकॉज प्रोडक्ट से हमें अश्योरेंस मिल गई कि दिस प्रोडक्ट इज आ रिल्किट ऑन कमर्शल बेसिस और अब हम मैस मार्केट के लिए इसको भिजवा देंगे ये स्टूडेंट लास्ट टाइम जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो हाँ हमने ये दो तो तीन चार एग्जाम्पल्स ली थी कि क्या क्या नए नए आइडियाज हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए और कौन कौन से वो नए एरियाज हैं जहाँ पे हम फील करते हैं कि मार्केट में फेल्ट डेप्रिवेशन मौजूद है और अनसेटिस्फाइड नीड्स एग्जिस्ट करती हैं कहीं पे और आपके साथ जो तो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी उसमें हमने ये सजेस्ट किया था आपको कि आप जब मार्केट में जाए या घर में जब कोई प्रोडक्ट यूज करते हो या कोई काम कर रहे हो तो वहां से आइडेंटिफाई करें कि पॉसिबली क्या क्या और प्रोडक्ट हो सकते हैं या कौन कौन सी वो ऐसी नीड है जिसके लिए इस वक्त प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता और ये आइडिया हमें बनाना आना अभी से चाहिए ताकि जब आप अपनी अमली जिंदगी में आए उस वक्त तक आप इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुके हों मुझे यकीन है कि आपने ये काम किया होगा और डिफरेंट आइडियाज अब तक डेवेलप कर लिए होंगे और मुझे इस बात के में, बारे में भी यकीन होगा कि कुछ आइडियाज आपको खुद लगते होंगे कि दीज आर वेरी फनी आपको हंसी आती होगी कि यह क्या ये बड़े मजाही किस्म के आइडियाज हैं बट डॉन्ट वेरी अबाउट दैट एज लॉन्ग आप नए नए आइडिया डेवेलप करते हैं जनरेट करते हैं दिस इज फाइन और बेशुमार ऐसे प्रोडक्ट जो आज हमारे पास हैं एक जमाने में जब ये आइडिया डेवेलप हुए होंगे तो उस वक्त ये फनी आइडिया कहलाते होंगे सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस थैंक हमें हर वक्त मार्केट में से ये देखते रहना चाहिए आज हमारे लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे ह्यूमन लाइफ है जैसे एक इंसान है वो पैदा होता है बच्चा है फिर जवान हो जाता है फिर बूढ़ा हो जाता है इसी तरीके से एक प्रोडक्ट है उसके भी डिफरेंट फेजेस हैं और वो डिफरेंट फेजेस से एक प्रोडक्ट गुजरते गुजरते मार्केट से आउट हो जाती है और जिस तरह ह्यूमन लाइफ के साइकल्स हैं डिफरेंट फेजेस हैं इंसान की जिंदगी के इसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी हमने डिफरेंट फेजेस रखे हुए हैं और जिन फेजेस uh, से होकर एक प्रोडक्ट गुजरता है उसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिजाइन करना होती है इसलिए उनको जरूरी है इस बात को जानना कि एक प्रोडक्ट इस वक्त प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेज पर है तो इस टॉपिक की अहमियत को समझते हुए पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं, और फिर हम उसके आगे चलेंगे और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हर स्टेज के ऊपर एक मार्केटर क्या क्या स्ट्रेटजी फॉर्म करेगा स्टेजेस इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे हमने पहले एग्जांपल ली कि इंसानी जिंदगी का स्टार्ट एक बच्चे से होता है और वो बच्चा फिर बड़ा होता है जवान होता है बुढ़ा होता है उसी तरीके से एक प्रोडक्ट भी एक स्टेज के ऊपर बच्चा होता है और वो हमारी जुबान में मार्केटिंग की जुबान में हम उस स्टेज को कहेंगे इंट्रोडक्शन स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज हो गई और यह वो स्टेज है जब एक प्रोडक्ट एब्सुलटली नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ और जब यह प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त मार्केट का सीन ये है कि अभी बहुत ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट के आइडिया के साथ सिमिलियर नहीं है और बहुत ज्यादा मैन्युफेक्चरर इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं बना रहे तो हम जब मार्केट में एंटर होंगे इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर तो हम या तो अकेले ही बनाने वाले होंगे यानी हम या तो मनापली में होंगे और या फिर कोई एक आध और होंगे जो इसी टाइप का प्रोडक्ट बना रहे होंगे और मार्केट कर रहे होंगे क्योंकि प्रोडक्ट अभी बहुत ज्यादा मार्केट में फेमिलियर नहीं है कस्टमर्स को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है प्रोडक्ट की इसलिए हमें बहुत ज्यादा मार्केट से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे बहुत सेल नहीं होगी तो इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज है जहां पे आके प्रोडक्ट की सेल अभी बहुत ज्यादा नहीं है राइट सो ये हमारी होगी पहली स्टेज जहाँ पे प्रोडक्ट की अभी सेल ज्यादा नहीं है और मार्केट में प्रोडक्ट अभी नया नया एंटर हुआ है और इसका नाम हमने रख दिया इंट्रोडक्शन स्टेज अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ टाइम के बाद यही प्रोडक्ट अपने नेक्स्ट फेज में एंटर हुआ और जो नेक्स्ट फेज है इसका नाम हमने रख दिया ग्रोथ स्टेज ग्रोथ स्टेज वो स्टेज है जब प्रोडक्ट की सेल तेजी से बढ़ेगी और ग्रोथ स्टेज को हम टेक ऑफ स्टेज भी कहते हैं और टेक ऑफ हम इसको इसलिए कहते हैं कि जैसे एक प्लेन आपने देखा होगा जहाज जब उड़ता है तो पहले वो रनवे पे रन करता है वो स्पीड के साथ प्लेन जो वो ऊपर हवा में बुलंद हो जाता है ये जो स्टेज है जब तेजी से जहाज हवा में बुलंद हो गया हमने इसको कहा टेक ऑफ स्टेज प्लेन टेक ऑफ कर करा है इसी तरह हमारे प्रोडक्ट की सेल का ग्राफ एकदम तेजी से ऊपर जाएगा बिल्कुल उस टेक ऑफ की तरह और प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी और सेल के बढ़ जाने की वजह क्या होगी दो वजह है नंबर वन वो लोग जिन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारा प्रोडक्ट खरीदा इफ दे आर सेटिस्फाइड दे वुड लाइक टू बाई इट अगेन तो हमें रिपीट ऑर्डर मिल गए उन लोगों से जिन्होंने इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर यह प्रोडक्ट खरीदा एक और क्लास एंटर हुई और वो कौन सी है वो लोग जिन्होंने और नए एंट्रेट जिन्होंने अब इस प्रोडक्ट के बारे में जाना और खरीदने का फैसला किया तो हमें कुछ तो नए कस्टमर मिल गए और कुछ पुराने कस्टमर से रिपीट ऑर्डर मिल गए तो टोटल क्वांटिटी सेल वाइज बढ़ गई लेकिन अभी मार्केट में मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा नहीं है बहुत ज्यादा मार्केटर नहीं है तो सीन हमारे पास क्या है कि सेल बढ़ चुकी है लेकिन अभी मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं बढ़ा दैट इज सेकेंड स्टेज सेकंड स्टेज की जो फीचर हम अभी तक देख रहे हैं जो स्टेज वन थी विच वॉज इंट्रोडक्शन स्टेज इंट्रोडक्शन स्टेज के फीचर हमने डिस्कस किए वो फीचर क्या थे वहां पे प्रोडक्ट इज न्यू नो अवेयरनेस इन द मार्केट एंड वी आर द ओनली मैन्युफेक्चर आर देर आर ए फुफेक्चर देन वी मूव टू सेकेंड स्टेज एंड दैट वॉज ग्रो स्टेज ग्रो स्टेज पे हमने ये डिस्कस किया है प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाएगी रिपीट ऑर्डर्स की वजह से और नए कस्टमर आ जाने की वजह से लेकिन अभी मार्केट में बहुत कंपटीशन नहीं है ग्रोथ स्टेज के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज से आगे मूव की जिसका नाम हमने रखा हुआ है मेच्योरिटी स्टेज जैसे इंसान पर मेच्योरिटी आ जाती है इसी तरह प्रोडक्ट पर भी मेच्योरिटी आ गई और मच्योरिटी स्टेज पे आके सेल बढ़ गई है और और सेल बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गई है क्योंकि अब मार्केट में अवेयरनेस इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दैट अवेयरनेस नाउ वी गट लार्ज नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट और ये वो सेचुरेशन प्वाइंट है जहां पे हमारे पास आके वी अचीव हाइस्ट लेवल ऑफ सेल्स मेच्योरिटी स्टेज इज दैट स्टेज वेयर वी अचीव हाईस्ट लेवल ऑफ द सेल लेकिन चूंकि अब प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी हुई है कस्टमर मार्केट में मौजूद है इसलिए अब और नए मैन्युफैक्चरर भी मार्केट में एंटर हो जाएंगे और नए सेलर और मार्केटर भी मार्केट में आ जाएंगे तो इस स्टेज पे आके वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफेक्चरर

Will go to decline. And decline वो है जब प्रोडक्ट मार्केट से ऑप्सलीट होना शुरू हो जाएगी सेल खत्म होना शुरू हो जाएगी तो आल डेक्लाइन हो जाएगी और एक स्टेज के ऊपर आके प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगी और प्रोडक्ट का मार्केट के आउट हो जाने की देर आर सो मैनी रीजन जिसमें से कुछ तो मार्केटिंग रीजन है जैसे मार्केटिंग टीम की इनफिशेंसी और कुछ वैसे इंजीनियरिंग रीजन है कि कुछ प्रोडक्ट है जो कि टाइम के साथ साथ मार्केट से ऑफ होती जाती है जैसे आप एग्जाम्पल ले लें एक टाइप राइटर की कि जब से कंप्यूटर इन हुआ टाइप राइटर की मार्केट ग्रेजुअली कम होना शुरू हो गई और वी कैन इजिली अंडरस्टैंड के इट हार्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस सो so, हम ये बिलीव करते हैं मार्केटर कि हर प्रोडक्ट ने डिक्लाइन पे जाना है अब ये तो हो सकता है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो देर कैन बी टेन ईयर ट्वेंटी ईयर फिफ्टी ईयर हंड्रेड इयर्स। और ये भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है देर इज ए फ्यू इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग एफिशियंसिज तो मार्केटिंग के लोग जो है वो क्या क्या पॉलिसी बनाते हैं तो तो हमने जो डिस्कशन किया वो क्या किया लास्ट स्टेज डेकलाइन जब प्रोडक्ट वॉज ऑन डेकलाइन सेल्स कम होना शुरू हो गई है प्रोडक्ट डिक्लाइन होना शुरू हो गई है और एक स्टेज के ऊपर दिस प्रोडक्ट विल गो आउट फ्रॉम द मार्केट सो दीज आर फोर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब एक क्वेश्चन आ रहा है और वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे लिए आपके लिए आप एक मार्केटिंग स्टूडेंट हैं आपने प्रैक्टिकली मार्केटिंग जाके करना है इसका इस्तेमाल क्या होगा हमारे लिए कैसे हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कांसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के लिए तो इसको हम समझेंगे अब कि क्या क्या हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर पी एल सी सो पी एल सी आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर द मार्केटर एंड नाउ विल अंडरस्टैंड दाउ विल वी यूटिलाइज

जब बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर ना हो तो उसका एक डेफिनेटली एडवांटेज ये होगा कि वी कैन डिक्टेट मोर ऑफ आवर मार्केटिंग पॉलिसीज क्योंकि कंपटीशन नहीं है और मोनोपोली में वी कैन गेन मोर एडवांटेज फ्रॉम द मार्केट लेकिन अभी मार्केट का साइज भी बड़ा नहीं है यह एक डिसएडवांटेज है इस स्टेज का अब हमें यह समझना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हमारे कस्टमर की टाइप क्या होगी नॉर्मली एट इंट्रोडक्शन स्टेज हमारे जो कस्टमर की टाइप होती है दे आर दीपल हु आर वेंचर सम और वेंचर वो लोग होते हैं हु लाइक टू ट्राई न्यू एंड न्यू आइडियाज जो कहते हैं एक नया ब्रांड आया इसको ट्राई करना चाहिए एक नया प्रोडक्ट है इसको ट्राई करना चाहिए एक नया आइडिया है इसको इसको देखना चाहिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है वहां जाके खाना खाना चाहिए एक नए ब्रांड के गार्मेंट बिकना शुरू हुए हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए सम पीपल लाइक टू ट्राई न्यू न्यू एंड एंड थिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्लास विल फॉल इन इन हाई इनकम क्लास एंड हाई सोशल क्लास दीपल है मनी एंड देरियंस ओवर देयर अब हमें यह समझ आ गई कि इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हमारा कस्टमर वो हो गया द वन हु हैज हुज ऑफ मनी टू स्पेंड एट द वन हु हैज ए टाइप और वो टाइप क्या है ट्राइंग न्यू एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू एंड न्यू आइडियाज तो हमने अब इसका एडवांटेज लेना है फॉर द मार्केटिंग और एडवांटेज क्या लेना है एडवाटेज हमने ले, ये लेना है कि वी कैन कीप द प्राइसेस हाई व्हाई बिकॉज आवर टारगेट बायर हैज मोर डिस्पोजेबल मनी सो दे कैन अफोर्ड टू पे मोर मनी सो वी कैन अफोर्ड टू कीप द प्राइसेस हाई और हमें प्राइसेस हाई रखना इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है स्टेज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को बनाने की कास्ट हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर कास्ट है मार्केटिंग का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने पे हमारी कास्ट आई हुई है तो ज्यादा हो जाने की वजह से भी हमें प्राइसेस हाई करना पड़ेगी और वी हैव बायर्स इन द मार्केट कैन बायर मनी सो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो गई कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हु आर गोइंग टू बी अवर टारगेट बायर्स एंड हाउ टू रीच टू दैम ये जो क्लास हमने मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया है इस क्लास तक हमने कैसे पहुंचना है मीन कौन सा मीडिया कौन सा मीडियम ऐसा होगा जो इन लोगों तक पहुंचेगा और उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या टेलीविजन बेहतर रहेगा कि क्या प्रिंट मीडिया बेहतर रहेगा कि या पर्सनल सेलिंग इस यहां पे बेहतर रहेगी या कोई प्रोशर और कोई लीफलेट बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सो वी गैट टू अंडरस्टैंड टू रीच टू दैट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट

करना होगा अब ये जमे रहे कि क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर हमारी सेल्स कम है एक्सपेंसिस ज्यादा है सो वी विल नॉट बी एबल टू अर्न मच प्रॉफिट हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा इस स्टेज के ऊपर अब आ जाइए थोड़ा आगे एंड दैट इज ग्रोथ स्टेज ग्रोथ स्टेज वो स्टेज थी जहां पे आके प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही थी वो टेक ऑफ जिसकी मैंने पहले आपके सामने बात की है प्रोडक्ट की सेल ऊपर जा रही है अब सेल ग्रेजुअली जब बढ़ रही है और मार्केट में मैन्युफेक्चर और कंप्यूटर पौधे ना हो तो हमारे लिए दैट इज ए गोल्डन चैंस और दैट इज अ टाइम वेर विल अर्न मोर प्रॉफिट मोर पर यूनिट प्रॉफिट मैन्युफैक्चरर है कोई नहीं कंपटीशन कम है मैन्युफैक्चरर के कम हो जाने की वजह से कंपटीशन के कम हो जाने की वजह से, सेल के बढ़ जाने की वजह से वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट हमें प्राइसेस कम करने की जरूरत नहीं है कंपेटिटर्स एंड वी हैव मोर सेल्स सो दिस इज ए स्टेज वेयर मार्केटर्स आर मोर कंफर्टेबल एंड मार्केटर्स अर्न मोर प्रॉफिट सो ग्रोथ स्टेज पे हमने क्या करना है ग्रोथ स्टेज पे हमने ये करना है कि हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़े ताकि हमारा जो कस्टमर का बेस है वो बढ़े हमारे पास नए कस्टमर्स इन हो राइट और नए कस्टमर के आ जाने से प्रोडक्ट में ग्रोथ आगा सेल में ग्रोथ आएगी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की सेल में इंक्रीज होगा और प्रॉफिट बढ़ेगा अब आजिए नेक्स्ट स्टेज पे ग्रोथ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आएगी जो हमने डिस्कस अभी किया दूरिटी स्टेज और मेच्योरिटी स्टेज के जो फीचर हमने डिस्कस किए हैं वो क्या आते हैं? वो ये थे कि जहां पे आके प्रोडक्ट की सेल अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचेगी और वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बार इन द मार्केट लेकिन अपेरेंटली यू लगता है कि सेल बढ़ जाएगी तो मार्केटर के लिए ये सबसे कंफर्टेबल स्टेज होगी प्रैक्टिकली इस मे नॉट बी ट्रू वी हैव सो मैनी मैन्युफैक्चर एंड मार्केटर्स एंड वी आर इन कॉम्पिटिशन नाउ एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन नाव वी हैव टू डू सो मैनी थिंग्स और वो क्या होंगी पहली बात तो सीधी सीधी है कि कॉम्पिटिशन की वजह से प्योर कॉम्पिटिशन की वजह से अब हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइसिस शायद कम करना पड़ गया सो तो प्राइस काम करना पड़ गया एक काम दूसरी बात यह है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्ट में नए नए फीचर लेके आने के लिए अब हमें कुछ रिसर्च करना पड़ गई और उन रिसर्च पे भी हमारा खर्चा हो रहा है तीसरा काम एक तो हमारे एक्सपेंसेस हो गए प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर एक हमारा खर्चा और आ गया दैट इज मार्केटिंग बिकॉज़ वी आर इन कॉम्पिटिशन नाउ वी गैट टू स्पेंड मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट लेकिन यहां पे हम प्रमोट क्या करेंगे यहां पे हम प्रमोट करेंगे ब्रांड नेम वाई बिकॉज मार्केट ऑलरेडी नोज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट के फीचर क्या है प्रोडक्ट की शक्ल कैसी होती है प्रोडक्ट की तकरीबन प्राइस क्या होती है प्रोडक्ट कहां से मिलता है यह अब अवेयरनेस मार्केट में आ चुकी है लिहाजा अब हमें इन चीजों पे खर्च तो नहीं करना लेकिन अब हमें प्रोडक्ट के ब्रांड नेम के बारे में मार्केट को अवेयर करना है और जब हम कॉम्पिटिशन में होते हैं तो हमारा ब्रांड नेम अगर ज्यादा एस्टेब्लिश हुआ हुआ होगा तो हमें मार्केट से एडवांटेज मिलता है और दैट हैपन्स इन लोकल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट टू आप जानते हैं पाकिस्तान की बेशुमार प्रोडक्ट ऐसी हैं जो ओवर द ईयर्स दुनिया के बेशमार कोनों में जाकर बिकती हैं और बहुत अच्छा नाम कमाती हैं लेकिन पाकिस्तान के मार्केटर ने ब्रांड की अहमियत को बहुत ज्यादा नहीं समझा और इंटरनेशनल मार्केट में हम अपना कोई ब्रांड नेम एस्टेब्लिश ना कर सके अब आके मार्केटर को इस बात की अवेयरनेस हुई है कि ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहिए और अब मार्केटर हमारे जो है एक्सपोर्टर जो है वो अब इस तरफ कंसनट्रेट uh, कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना ब्रांड नेम इंटरनेशनल मार्केट में एस्टेब्लिश कर जाए तो दोबारा आते हैं स्टेज के ऊपर वेयर वी वर इन कॉम्पिटिशन एंड वी हैड टू स्पेंड मनी फॉर 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 प्रमोटिंग आर प्रोडक्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और खर्चा हमारा किस पे हो गया अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करने की वजह से एक और काम हमें यहां पर करना पड़ गया और वो ये है कि चूंकि अब हम कॉम्पिटिशन में आगे हुए हैं और हमें मार्केट से चैलेंजेस ज्यादा हो गए हुए हैं हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी थोड़ा रिवाइज करना होगा और उसमें जैसे एक बहुत बड़ा काम है दैट इज सेगमेंटेशन वी माइट ट्राई टू फाइंड सम न्यू मार्केट्स, सम न्यू सेगमेंट्स और आपको याद है हमने सेगमेंटेशन डिस्कस किया था पहले कि क्या था पूरी मार्केट को छोटे हिस्सों में तकसीम करना दैट वॉज सेगमेंटेशन और इस स्टेज के ऊपर आके हमें देखना पड़ेगा कि कोई नया सेगमेंट ढूंढे जो हमारे प्रोडक्ट का यूजर और बायर हो होता तो हम शायद काम ना करते लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन वी गैट टू एक्सपेंड अवर मार्केट ना एंड फॉर एक्सपेंशन आउट मार्केट और इस प्रोसेस पर भी हमारे एक्सपेंसिस आएंगे सेगमेंटेशन करना नए तरीके से नई जगह के ऊपर अपना मार्केटिंग का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करना डिजाइन करना

और नंबर ऑफ कस्टमर जो है दैट इज ऑन हाईएस्ट लेवल मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर आके बट वी हैव टू पे लॉट ऑफ एक्सपेंस और हमें ए, अपनी कास्ट भी प्राइस भी कम करना पड़ गई प्राइस भी कम करना करना पड़ गई और कास्ट भी बढ़ चुकी हुई है इसलिए इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर हमारा पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए Or it is still possible that we may not be uh, earning highest level of profit. So sales key increase that is not a guarantee in increase in profit. We have to consider some other factors too. And those factors are the cost factor. कि इस सेल के बढ़ जाने से कितनी और एक्स्ट्रा कास्ट हमें पे करना पड़ेगी तो मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर आके हमारा सेध वॉल्यूम तो यकीनन भट चुका हुआ है लेकिन हमारा पर यूनिट प्रॉफिट जो है दैट माइट नॉट बी एट हाईएस्ट लेवल और दैट मे बी एट इवन लोएस्ट लेवल बिकॉज हम वी हैव टू स्पेंड अल मनी ऑन वेरियस ऑफ एक्सपेंडिचर नेक्स्ट मूव किया फोर्थ स्टेज के ऊपर जिसको हमने टाइटल किया जिसका हमने नाम रखा दैट वाज डेक्लाइन स्टेज डेक्लाइन स्टेज वो स्टेज थी जहां पे प्रोडक्ट की सेल्स मार्केट में कम हो रही हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब ये प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। और मार्केटर हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये डिटर्मन कर लिया वी आर हेडिंग टूवर्ड डेक्लाइन आउ तो आप यहां पे क्या करना चाहिए यहां पे बहुत जो सिंपल रिकमेंडेशन दी जा सकती है और वो क्या है कि सेल सेलेक्टिवली और सेलिंग सेलेक्टिवली का मतलब यह है कि सर उन कस्टमर को बेचा जाए जहां से हमें रिटर्न आ जाना पैसे वापस आ जाने की गारंटी हो जमानत हो सो तो या तो कैश कस्टमर को बेचा जाए या फिर ऐसे कस्टमर को बेचा जाए कि जहां से हमें ये यकीन हो कि मार्केट से पैसे रिकवर हो जाएंगे और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसके साथ एक और एजम्सन बड़ा जरूरी है और क्या है कि अगर प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में कम हो जाए या रुक जाए तो मार्केट से रिकवरी भी रुकना शुरू हो जाती है लिहाजा मार्केटर को अगर यह समझ आ जाए कि माई प्रोडक्ट इज हैडिंग टू वेकलाइन तो उस स्टेज पर ही अपनी सेल्स को रिप्लान कर लेना चाहिए और हमें क्रेडिट कस्टमर्स को डिस्करेज करना चाहिए और जनरली विच इज सेल टू कैश कस्टमर्स आर द कस्टमर जिनके बारे में हमें यकीन है कि वहां से विल बी एबल टू रिकवर द मनी लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड वी हैव डिस्कस्ड वेरियस स्ट्रेटजीज विच वी कैन फॉर्मुलेट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अब इसमें थोड़ा सा और आ, टेक्निकल बातें भी हैं जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जरूरी नहीं है कि उसकी कोई डेफिनेट एज हो हर प्रोडक्ट की इट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हंड्रेड ईयर्स फिफ्टी ईयर्स और ट्वेंटी ईयर्स और ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है दैट इज वेरी शॉर्ट एंड देन कैन बी ए फ्यू मंथ्स और लेस देन एयर अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होगा टेक फैशन प्रोडक्ट फैशन प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है दैट इज वेरी शॉर्ट आप देखते हैं आप कुछ ना कुछ फैशन भी करते ही होंगे फैशन प्रोडक्ट्स मार्केट में आती हैं और मार्केट से जल्दी से चले भी जाती हैं और कुछ फैशन तो आपने ऑब्जर्व किए होंगे वो बहुत थोड़े टाइम से मार्केट से निकल जाती हैं और बहुत थोड़ा टाइम जब मैं कह रहा हूं तो दैट कैन बी ए फैशन आया एक खास किस्म के प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना लोगों ने शुरू किया लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में ही उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन मार्केट में बंद हो गई और वी वी साइड के मार्केट में बहुत जल्दी डेक्लाइन आ गया फॉर दैट फैशनेबल प्रोडक्ट सो फैशन प्रोडक्ट का जो लाइफ साइकिल है दैट इज मच शॉर्टर देन मैनी अदर प्रोडक्ट बहुत तेजी के साथ फैशन प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत तेजी के साथ ये चारों स्टेजेस कंप्लीट करके विच इज इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी एंड डेक्लाइन बहुत तेजी के साथ ये ग्राफ ऊपर जाएगा और तेजी के साथ ग्राफ नीचे आ जाएगा बिकॉज मार्केट में एकदम सेल बढ़ती है और एकदम सेल डिक्लाइन हो जाती है फैशनेबल प्रोडक्ट्स के लिए सो आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहां पे हमें uh, ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो चेंज होते जाएंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की ड्यूरेशन चेंज होती जाएगी अब एक और कॉन्सेप्ट जिसका तलक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ ही है वह है कि जब मार्केटर को इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अब प्रोडक्ट में डैकलाइन हो जाना है तो क्या करना चाहिए क्या हमें प्रोडक्ट को उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए कि इट इज गोइंग टू टू डेकलाइन एंड लेट इट गो इट्स नॉट

और वो नया फीचर क्या हो सकता है जैसे एक कोला ड्रिंक है उस कोला ड्रिंक के साथ हमने डाइट ऐड कर दिया तो वो डाइट कोला हो गया या एक कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट है उसमें कोई और केमिकल हमने ऐड करके उसको हमने कहा कि ये धोएगा भी और चमकाएगा भी या हमने एग्जांपल ली थी वाटर कूलर की एक ऐसा वाटर कूलर जिसमें पानी ठंडा भी रह सके और गर्म भी रह सके तो दीज आर सम इनोवेटिव फीचर्स नए फीचर हमने इंट्रोड्यूस करा दिए और इसको हमने कहा इनोवेशन और इनोवेशन के बारे में भी मार्केट ने सोचना है उस वक्त जब प्रोडक्ट हमारी मेच्योरिटी स्टेज पे होगी हमें उस स्टेज पे ये सोच लेना होगा कि अब नेक्स्ट आर प्रोडक्ट इज गोइंग टू तो डेकलाइन एंड बिफोर इट गोज तो डेकलाइन हमें कोई ना कोई इनोवेशन इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए ताकि ग्राफ एक प्रोडक्ट so, uh, का इंट्रोड्यूस कराया और वही प्रोडक्ट एक नए फीचर के साथ मार्केट में आ गई और हमने कहा ये इनोवेशन हो गई अब यहां पे फिर डिस्कशंस हैं डिटेल जो के uh, आप मार्केटिंग के कोर्स में डिस्कस करेंगे कि इनोवेशन जो है इज दैट ए फिफ्थ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इज दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट और जैसे मैंने कहा कि कोला और डाइट कोला तो क्या डाइट कोला और कोला दो सेपरेट प्रोडक्ट है या एक प्रोडक्ट है तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर बिफोर अप्लाइंग द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ओवर देअ सो मैं एक तो फिर क्विकली इसको रिव्यू कर रहा हूं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट हैज वेरियस स्टेजेज स्टेज वन विच वी डिस्कस दैट व इंट्रोडक्शन स्टेज एंड वी डिस्कस दे आर सम फीचर्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज एंड देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेज विच वॉज टेक ऑफ आर ग्रोथ स्टेज और ग्रोथ स्टेज पे हमने डिस्कस ये किया था कि सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा कॉम्पिटिशन कम होगा प्रॉफिट हमारा पर यूनिट प्रॉफिट हो जाएगा मेच्योरिटी स्टेज we'll और ये वो स्टेज थी जहां पे आके सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया और मेच्योरिटी के बाद नेक्स्ट स्टेज भी डिस्कस दैट वॉज डेक्लाइन स्टेज और फिर हमने सजेस्ट किया कि जब हम डेक्लाइन स्टेज पे आ जाएंगे तो वहां पे हमें आके क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और फिर हमने एक बात और डिस्कस किया है कि अब हमारे पास एक स्टेज आ गई पे आके हमने इनोवेशन करा देने, कर देना है और हमने एक नया फीचर प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करा देना है कर देना है मार्केट में सो वेन यू पीपल विल बी ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू विल है एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड यू विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट ओवर देयर फॉर मेकिंग द डिसीजन फॉर योर कंपनी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट्स अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और दैट इज अबाउट ब्रैंडिंग ब्रैंडिंग इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जैसे मैंने अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हुए बात की थी कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं कर सके और ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं कर सके इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंड इज अ डिफिकल्टी लेकिन अब इसकी अवेयरनेस आना शुरू हुई है और डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी मार्केटर जो है वो ब्रांड एस्टैब्लिश करना उन्होंने शुरू कर दिए हुए लेट so अंडरस्टैंड ये ब्रांड क्या चीज है और ब्रांड के अंदर क्या क्या कंस्टर्टेशन हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड वट इज अ ब्रांड ब्रांड इज ए सिंबल ए साइन ए टाइप ऑफ राइटिंग ए कलर और ए डिजाइन और इट कैन बी ए कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सो ब्रांड इज फॉर आइडेंटिफिकेशन और किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट का नाम कोई सिंबल कोई लेटर कोई कलर कोई स्टाइल या कॉम्बिनेशन तो हमने इसको कह दिया ये ब्रांड हो गया अब हम मार्केटर हैं हमारा काम है किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के लिए ब्रांड सजेस्ट करने ब्रांड डिजाइन करने ब्रांडिंग एक प्रोसेस हो गया जिसमें किसी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए सिंबल लेटर डिजाइन या कॉम्बिनेशन सजेस्ट करना सटनली दिस इज ए क्वेश्चन नाउ वाई डू वी सजेस्ट ए ब्रांड नेम फॉर ए प्रोडक्ट और उसका जवाब यही है कि ओवर द टाइम वेन वी आर इन द मार्केट हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है एक्सेप्ट होता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट होती है और उस अवेयरनेस की क्रिएशन के रिजल्ट में हमारे ब्रांड की एक पावर बनती है ब्रांड की वो पावर जिसको हम मैयर करते हैं अवेयरनेस की शक्ल में या कस्टमर की लॉयलिटी की शकल में कि कस्टमर लॉयल है एक प्रोडक्ट के साथ एक ब्रांड के साथ या कस्टमर को अवेयरनेस है एक ब्रांड के साथ तो इसको हम कहेंगे ब्रांड इक्विटी और ब्रांड इक्विटी इज एन एसेट ए प्रॉपर्टी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड कितना मार्केट में नॉन होगा और उस ब्रांड के साथ जितनी लोगों की लॉयलिटी ज्यादा होगी उतना ही उस ब्रांड की वैल्यू और वर्थ ज्यादा होगी और इस वैल्यू एंड वर्थ ऑफ द ब्रांड के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं इज़ ब्रांड इक्विटी सो ब्रांडिंग में एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया ब्रांड इक्विटी और ब्रांड इक्विटी क्या है ब्रांड इक्विटी इज द लेवल ऑफ लॉयलिटी एंड लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड इन द मार्केट अब ब्रांड लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्टविटी का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करें और मैंने आपके साथ जो डिस्कशन यह किया है कि ब्रांड इक्विटी इज द वैल्यू इज एन एसेट आर ए प्रॉपर्टी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन तो दुनिया भर में जो बड़े बड़े ब्रांड इस वक्त बिक रहे हैं टाइम टू टाइम उन ब्रांड की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रांड इक्विटी सो ब्रांड इक्विटी टाइम टू टाइम मेयर की जाती है और बेशुमार बुक्स में आर्टिकल्स में जर्नल्स में हमें वो डाटा मिलता है जहां पे कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड हमें वो दी जाती है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द ब्रांड्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सो दैट इज ऑफ ब्रांड इक्विटी इफ यू सी योर बुक्स आर योर हैंड ओवर यू विल सी के दुनिया के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी ब्रांड इक्विटी क्या है और दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू आप अपनी बुस का ये पार्टी स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा किस वेरी इंटरेस्टिंग कि कुछ कंपनी की ब्रांड की वैल्यू या ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है इंटरनेशनल मार्केट में अब ब्रांड इक्विटी को डिस्कस करते हुए अवेयरनेस नो लेटर्स सी ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज है ब्रांड अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो दैट इज कि किसी ब्रांड का नाम किसी यूजर के माइंड में किसी कस्टमर के माइंड मा, में कितनी तेजी से आता है कितना रजिस्टर हुआ हुआ है एक ब्रांड नेम किसी इंडिविजुअल के माइंड में फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कस्टमर से यह पूछे किसी इंडिविजुअल से हम ये क्वेश्चन करें कि जब भी रेफ्रिजरेटर का नाम आएगा तो आपके माइंड में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा तो जिस ब्रांड नेम जो ब्रांड नेम सबसे पहले माइंड में आएगा हम कहेंगे इस ब्रांड की रिकॉल सबसे ज्यादा है या इस ब्रांड की अवेयरनेस सबसे ज्यादा है इसी तरह अगर किसी से यह पूछे कि जो चाय हम पीते हैं चाय का जब भी नाम आएगा तो आपके माइंड में कौन सा ब्रांड आएगा तो लोग एक ब्रांड नेम हमारे सामने कह देंगे ये जो ब्रांड का रजिस्टर होना ब्रांड को रिकॉल कर सकना और ब्रांड की मार्केट uh, में ज्यादा अवेयरनेस होना दैट कॉज इज द वैल्यू ऑफ द ब्रांड जिसको हम ब्रांड इक्विटी कहा पहले हमने तो ब्रांड अवेयरनेस क्या हो गई ब्रांड अवेयरनेस ये हो गई कि कितना मार्केट में हमारा ब्रांड नॉन है और कितना ब्रांड जो है मार्केट में रजिस्टर्ड है तो इस पे uh, बेशुमार कंपनीज हैं तो इस पर रिसर्चेस करती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कौन से ब्रांड की अवेयरनेस आजकल कितनी है और कौन से ब्रांड की अवेयरनेस मार्केट में बढ़ रही है या कम हो रही है दैट इज कांसेप्ट ऑफ ब्रांड अवेयरनेस दैन इज वन मोर कांसेप्ट एंड दैट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं विच आर नेशनल ब्रांड नेशनल ब्रांड brand, उन ब्रांड्स उन प्रोडक्ट के लिए होंगे जिनमें पोटेंशियलिटी है पूरे एक कंट्री में सेल होने की एक ऐसा प्रोडक्ट एक ऐसा ब्रांड जो पूरे मुल्क में बिक रहा हो और पूरे मुल्क में उसकी अवेयरनेस हो उन प्रोडक्ट के लिए जो हम नाम सजेस्ट करेंगे दैट विल बी ए नेशनल ब्रांड विच इज नोन एवरीवेयर तो बैंकों की वो वो ब्रांचेस जो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हों उन बैंकों के नाम जो है दिस विल बी नेशनल ब्रांड्स या वो प्रोडक्ट वो कोला वो चाय वो बूथ पॉलिश जो मुल्क के सारे शहरों में बिक रहा होगा और सारे शहरों में वो ब्रांड नॉन होगा उन उन ब्रांड्स को हम कहेंगे नेशनल ब्रांड्स देन आर सम लाइसेंस ब्रांड और लाइसेंस ब्रांड में सेलर बाइज द राइट सेलर उस ब्रांड नेम को यूज करने के राइट right खरीदता है किसे ओरिजिनल ब्रांड ओनर से सो ब्रांड लाइसेंस ब्रांड वो हो गया वेयर वन पार्टी हैज इश्यूड ए लाइसेंस टू अनदर पार्टी फॉर यूजिंग देयर ब्रांड नेम

So concept of national brand, concept of licensed brand and then we have concept of a private brand. When we will be in real marketing, we have to make judgments. Uh, branding strategy follow or should we have uh, a national brand or should we get a license from, uh, from some, some organization or should we have a private brand? Then is, uh,

designing and making of uh, the packing material are the wrapper. bottle, wrapper pack all that is a packaging decision. And we have to decide for the packaging of the product as well. Or for some product. That is a very crucial decision. Packaging is a very very important decision क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिकते ही अपने पैकिंग की वजह से हैं। और लेबल कभी आपने किसी स्टोर पे जाते हैं आप देखते हैं प्रोडक्ट के पैक के ऊपर कहीं पे इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं कहीं के प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिटेल लिखी होती है कभी प्रोडक्ट के पैक के ऊपर लिखा होता है हाउ टू यूज द प्रोडक्ट आप शैंपू खरीदते हैं शैंपू की बॉटल के ऊपर लिखा होता है हाउ टू यूज द प्रोडक्ट वो जिस जगह पे हमने ये लिखा हुआ है समटाइम दैट इज अ स्टिकर इज अ पेपर एंड समाइम दैट इज प्रिंटेड ऑन द पैकेज दैट इज कॉल्ड एज लेबल लेबल एक तरह से सेल्स पर्सन का, का काम करता है प्रोडक्ट तो के बारे में कुछ डिटेल प्रोवाइड करता है कस्टमर को तो so आज हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया है हम कुछ और मार्केटिंग से रिलेटेड कहां से अपने नेक्स्ट डिस्कशन में कंटिन्यू रखेंगे और फिर हम उनको भी डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा खुदा हाफ